टॉपिक है बच्चे का सर गोल कैसे करें। देखिए मैंने अपने बच्चे का सर कैसे गोल किया, इसका सर एक साइड से चिपटा हो चुका था तो मैं दिखा रही हूँ। देखिए बाबू इधर हो जाइए, देखिए ये देखिए ये पूरी तरह से साइड से आप, तो अभी आप सबने देख लिया कि मेरे बच्चे का जो सर गोल है वो पूरी तरह से ही गोल शेप में है, वो मैंने कैसे किया। ये वीडियो खासकर मैं उन लेडीज के लिए बना रही हूँ जिनके बच्चे का ऑलरेडी जो सर है वो चिपटा हो चुका है और आपका बच्चा 3 महीने से 5 महीने के बीच में है, या आप 2 महीने का भी कह सकती हैं कि 2 महीने से भी स्टार्ट हो जाता है चिपटा होना। या फिर उन लेडीज के लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो न्यू मॉम्स होती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को कैसे सुलाएं, कैसे केयर करें कि बच्चे का सर आगे चपटा नहीं हो। तो इन दोनों ही केस की जो मदर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहूँगी। देखिए सबसे पहले जब मेरे बच्चे का बच्चा जब 3 मंथ का था तो उसका सर एक साइड से यानी कि राइट साइड से चपटा हो गया। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बच्चे को थोड़ा सा गोल जैसा ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का दबाना और ऐसे ऐसे करके मसाज देना। तो फिर ये तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया, आप ये सुनिए कि मैंने आखिर क्या किया कि बच्चे का सर गोल हो गया। फिर मैंने अपनी माँ से बात की और कुछ एक्सपीरियंस लेडीज हैं उनसे भी मैंने बात की कि आखिर मैं क्या करूँ क्योंकि बच्चे का सर तो जो चपटा है वो तो हो चुका है। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जैसे जब हम बच्चे को दिन में सुलाते हैं या फिर रात में जब भी हम सुलाते हैं तो बच्चा अगर इस साइड से 1 या 2 घंटे से सोया है तो फिर अगले घंटे में हम उसे इस साइड से सुला देंगे, यानी कि बच्चे को जब सोता है तो उसके साइड को लेफ्ट रखेंगे कुछ देर फिर राइट कर देते हैं 1 घंटे या आधे घंटे बाद, यानी कि बच्चे के पोजीशन को आप चेंज करते रहिए। अगर ऑलरेडी आप, ये तो हुई न्यू मॉम्स के लिए, ऑलरेडी अगर आपके बच्चे का सर चिपटा हो चुका है तो आप क्या करें, अगर इस साइड से चिपटा है तो आप मोस्टली इधर साइड से सुलाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर इधर से चिपटा है ना तो इधर से जब आप नहीं सुलाओगे ना तो ये रिकवरी फास्ट हो जाएगा और इधर से फिर आप सुलाने लगोगे तो आपका इजीली बच्चे का जो होता है वो। और दूसरी चीज़ जो है कि अगर ऐसा होता है कि बच्चा बहुत देर तक रात में एक ही साइड से सो रहा है तो आप बच्चे का और अपना साइड मतलब कि चेंज कर लें, यानी कि बच्चे को साइड को लेफ्ट है तो उसे राइट करें, अगर राइट है तो लेफ्ट करें, अगर लेफ्ट में ज़्यादा चिपटा है तो मोस्टली राइट में सुलाया करें और अगर राइट में चिपटा है तो मोस्टली आप लेफ्ट में सुलाया करें। आपने तो मेरे रिजल्ट्स देख लिए कि मैंने कैसे रिकवर कराया था अपने बच्चे को। तो जैसे ही मेरे बच्चे का सर थोड़ा चपटा हुआ तो मेरी मॉम ने राई का तकिया छोटा सा बनाया था, यानी कि 250 या 300 ग्राम राई क्वांटिटी में लेकर उसे तकिए में सुई से सिलाई करके बनाया था जिसपे मैं अपने बच्चे को सुलाती थी। ये कब हुआ, जब बच्चे का सर चिपटा हुआ तब ये किया गया। और मेरी सिस्टर ने एक पिल्लो लिया था जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये पूरे पिल्लो जो है वो पूरा गोल शेप में है और यहाँ पे बच्चे का सर रहता है। तो जब बच्चे का सर चिपटा हो गया तो मैंने ये पिल्लो भी आजमाया, राई का जो तकिया बनता है वो भी और ये पिल्लो भी, दोनों ही चीज़ें मैंने ट्राई की थी अपने बच्चे के टाइम। अभी फिलहाल तो पूरी तरह से आपने देखा ही नॉर्मल है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि आप टेंशन नहीं लें, आपके बच्चे का अगर सर चिपटा हो रहा है तो वो अपने आप रिकवर हो जाएगा। तो देखिए जो रिकवर होने की जो प्रोसेस है वो कब रिकवर होता है, जब आपका बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है। तो वैसे केस में बच्चे जो होते हैं अपने चिपटे सर को फास्ट रिकवर करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये एक ट्वाय है, मेरे बेटे की ट्वाय है, तो इसे अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी, देखिए तो ये यहाँ पे प्रेस हो गया, अगर मैं धीरे धीरे अपने हाथों को हटाऊँगी तो ये अपने पहले शेप में आ जाता है। तो यही होता है बच्चे का सर, यानी कि बच्चे का सर अगर चिपटा रहता है तो वो इजीली रिकवर हो जाता है अगर बच्चा आपका हेल्दी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा भी वीक होता है तो आपको बहुत सारे तरीके आजमाने होते हैं। हालाँकि मेरा बच्चा भी हेल्दी है, 3 kg का जब बर्थ हुआ था उसका वेट था और मैंने नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई है तो बच्चा मेरा हेल्दी है, फिर भी मैंने ये सारे तरीके अपनाए थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। उम्मीद है आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे और अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट कर रही हूँ। और चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।